नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम कुछ ऐसी बातों की चर्चा करते हैं जिनका पालन करके आप अपने स्वास्थ्य को, सेहत को सही रख सकते हैं। दोस्तों, तुलसी विटामिन सी और जिंक से भरपूर होती है। यह एक नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में प्रयोग की जाती है। मानव शरीर को संक्रमण से दूर रखने में काफ़ी सहायक होती है। इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटीफंगल गुण पाए जाते हैं जो शरीर को कई तरह के संक्रमणों से बचाते हैं। तुलसी के पौधे का हर हिस्सा एक औषधि है और मुंह के छालों के लिए आप इसके पत्तों को धोकर चबा सकते हैं, जिससे छालों में काफ़ी आराम मिलता है। बासी रोटी में फाइबर और प्रोटीन पाए जाते हैं। ये वजन बढ़ाने और सेहत को दुरुस्त रखने में काफ़ी मददगार होते हैं। बासी रोटी शरीर के टेम्परेचर को संतुलित रखता है। बासी रोटियां खाने से शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। रोजाना सुबह ठंडे दूध के साथ बासी रोटियां खाना बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। बासी रोटी शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करता है और गर्मी के मौसम में हीट स्ट्रोक जैसी समस्याओं को भी रोकता है। साबूदाना की खीर खाने के कई फायदे होते हैं, जिसे ये शरीर में एनर्जी बनाए रखता है, वजन को बढ़ाने में काफ़ी हेल्पफुल होता है, पेट के लिए, डाइजेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है, हड्डियों के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है, बच्चों के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होता है। अगर आप रोज़ाना सुबह नाश्ते में एक कटोरी साबूदाने की खीर ले रहे हैं तो इससे आपका वजन बहुत ही तेज़ी से बढ़ेगा और वजन बढ़ाने का एक बहुत ही कारगर उपाय है। टमाटर सब्जियों में इसकी अहम भूमिका होती है। टमाटर में मौजूद गुणों के कारण इसकी गिनती सुपर फूड के तौर पर की जाती है। दांतों और हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। आंखों के रोग में भी ये काफ़ी तरह से आंखों को बचाता है। इनमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट जो हैं विटामिन सी की मदद से कोशिकाओं को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। साथ ही साथ टमाटर वजन कम करने में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। शुगर के रोगियों के लिए भी टमाटर काफ़ी फायदेमंद होता है। टमाटर के टुकड़े पर चीनी रख के चेहरे पर रगड़ने से जो चेहरे की डेड स्किन होती है वो निकल जाती है और चेहरे पर ग्लोइंग आ जाती है। छुहारे का उपयोग सेहत से जुड़ी किसी एक या दो बीमारियों में ही नहीं बल्कि संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए किया जा सकता है। इनमें एंटी इंफ्लेमेटरी गुण मौजूद होते हैं जो सूजन की समस्या को कम करने में सहायक होते हैं। इसके अलावा यह एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भी भरपूर होते हैं जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के और लीवर टॉक्सिसिटी को कम करते हैं। यही नहीं, छुहारे में मौजूद एंटी माइक्रोबियल एजेंट कई प्रकार के इन्फेक्शन को दूर करने में मददगार होते हैं। इनमें एंटीबायोटिक इफेक्ट भी होता है जो डायबिटीज़ की प्रॉब्लम्स में काफ़ी हेल्पफुल होता है। यही वजह है कि छुहारे को संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए लाभकारी माना जाता है। दुबले पतले व्यक्ति को दूध में छुहारे उबाल कर देने से दुबला व्यक्ति कुछ दिनों में मोटा होने लगता है। कच्चे लहसुन में विटामिन बी, विटामिन सी, फाइबर, प्रोटीन और मैंगनीज जैसे इत्यादि पोषक तत्व मौजूद होते हैं। आइए देखते हैं रोज़ाना सुबह में एक लहसुन से हम कितने फ़ायदे ले सकते हैं। ये जो है डाइजेशन में सुधार और एसिडिटी को रोकने में काफ़ी मददगार होता है। ब्लड प्रेशर और ब्लड क्लाट की समस्या को कम करता है। कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने में काफ़ी मदद करता है। ये रेनल डिजीज में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। रेनल डिजीज में किडनी की और ब्लड प्रेशर, ऑक्सीडेटिव तनाव को दूर करने में काफ़ी मददगार होता है। इम्यूनिटी में सुधार लाने के गुण इसमें मौजूद होते हैं। लहसुन में सूजन को कम करने और इम्यूनिटी फंक्शन को बढ़ावा देने में